कुसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर करण दीवान ने 1941 से 1979 तक करीब 70 फिल्मों में काम किया था और इन 70 फिल्मों में से 20 फिल्में जुबली हिट हुई थी। उनमें से कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जैसे जीनत, लाहौर, दहेज, बहार, मुसाफिरखाना, तीन बत्ती चार रास्ता, और इन सभी फिल्मों की सफलता ने उन्हें जुबली स्टार बना दिया था। और पहले सिल्वर जुबली स्टार बने करण दीवान। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूं गुड्डी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल फिल्मी गुड्डी, और आज बात हो रही है बहुत ही उम्दा कलाकार करण दीवान की। इनका जन्म 6 नवंबर 1917 को ब्रिटिश भारत के गुजरानवाला, जो कि तब पंजाब में था और अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई लाहौर में पूरी की और कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि पत्रकारिता में हो गई थी और कॉलेज के समय में ही काम करना भी शुरू कर दिया था। फिल्म पत्रिका जगत लक्ष्मी का संपादन करने लगे थे और काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात ताराचंद बड़जात्या से हुई, और ताराचंद बड़जात्या ने ही राजश्री प्रोडक्शन की नींव रखी, जिसकी कमान उनके पोते सूरज बड़जात्या आजकल संभालते हैं। और 1939 की पंजाबी भाषा की फीचर फिल्म पूरन भगत में पूरन के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसका निर्माण राय साहब सुखलाल करनानी ने किया था और निर्देशन रूप के शौरी के पिता आर एल शौरी ने किया था। और दूसरी फिल्म 1941 में मेरा माही नाम से आई और ये भी पंजाबी थी, लेकिन अभी तक बंबई आने का कोई रास्ता नहीं खुला था। इसके बाद करण दीवान ने अभिनेता अभिनेत्रियों को उर्दू उच्चारण सिखाना शुरू किया, जिसके बाद करण दीवान को एम साहिद द्वारा निर्देशित म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रतन में अभिनय करने का मौका मिला, जो उस वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म बनी और इस फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए थे। इसके बाद 1944 में गाली फिल्म में काम किया और यह भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। 1945 में भाईजान फिल्म में काम किया, जिसमें करण दीवान ने नूरजहां, शाहनवाज, मीना शौरी के साथ काम किया। वहीं करण दीवान ने नरगिस, बेगमपारा के साथ फिल्म मेहंदी में काम किया। वहीं 1950 में फिल्म दहेज, जिसमें करण दीवान ने पृथ्वीराज कपूर और जयलक्ष्मी के साथ काम किया। 1951 में वैजयंतीमाला के साथ फिल्म बाहर में काम किया और 1965 की शहीद, वहीं 1967 की आमने सामने और 1969 की जीने की राह और 1970 की माँ और ममता, वहीं 1971 की नादान और 1972 की सहजादा फिल्मों में काम करके खूब शोहरत हासिल की। 1973 की जलते बदन, 1975 की काला सोना और 1979 की आत्मा राम उनकी आखिरी फिल्म रही। और इस तरह से पहले सिल्वर जुबली स्टार बने करण दीवान, जिनकी फिल्में 25 दिनों से ज़्यादा थिएटर्स पर टंगी रहती थी। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार की फिल्में 25-25 दिनों तक थिएटर्स पर टंगी रहती थी और इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता था। लेकिन राजेंद्र कुमार देश के पहले जुबली स्टार नहीं थे, उनसे पहले भी एक एक्टर थे जिनकी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई और उसे सिल्वर जुबली स्टार कहा जाने लगा, और ये एक्टर थे करण दीवान। 50 के दशक में तो ऐसा वक्त आया कि करण दीवान एक साथ 8-8 फिल्में कर रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे थी। लेकिन 60-70 के दशक तक आते आते करण दीवान की पॉपुलैरिटी गिरने लगी और यही वो वक्त था जब वो लीड एक्टर से सपोर्टिंग एक्टर बनने लगे थे। और इस तरह से 1976 तक फिल्मों में काम किया और फिर ब्रेक ले लिया, और 1979 की आत्माराम उनकी आखिरी फिल्म रही। फिल्मों में काम करने के दौरान ही करण दीवान की मराठी एक्ट्रेस और सिंगर मंजू से मुलाकात हुई। बाद में उन्होंने मंजू से शादी करके घर बसा लिया। करण दीवान शादी के बाद भी एक्टिंग करते रहे, वहीं मंजू ने शादी के बाद एक्टिंग छोड़कर घर संभाला। करण दीवान और मंजू के 5 बेटियां और 2 बेटे हैं।
करण दीवान का 2 अगस्त 1979 को निधन हो गया। पर दुखद बात यह है कि फिल्मों की रंगीन दुनिया में 35 साल लंबा फिल्मी सफर पूरा किया और 60 से भी अधिक फिल्में की, पर अंत्येष्टि पर आने के लिए सिनेमा जगत से मुट्ठी भर लोग भी जमाना हुए। हमारे तरफ से करण दीवान को उनके योगदान के लिए दिल से आभार। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे विदा चाहेंगे।